हेलो फ्रेंड्स, आज हम सफल रही उन सात हीरोइन की बहनों की बात करेंगे जो बुरी तरह फ्लॉप रही है। सबसे पहले बात करते ट्विंकल खन्ना की बहन रिंकी खन्ना की। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी रिंकी खन्ना 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी से फिल्मों में आई थी। 40 साल की हो गई रिंकी, इसके अलावा भी कई फिल्मों में आई है, लेकिन वह चल नहीं सकी। ट्विंकल की इस बड़ी बहन ने 2003 में बिजनेसमैन समीर सरन से शादी कर ली। अब बात करते हैं मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा की। अमृता फिल्म इंडस्ट्री में बुरी तरह फ्लॉप रही है। उन्होंने 2002 में फिल्म कितने दूर कितने पास से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद कई बड़े सितारों के साथ बहुत सी फिल्में की, लेकिन सफलता को छू तक नहीं सकी। काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी। तनीषा ने 2003 में फिल्मों में एंट्री की। इसके बाद नील एंड निक्की, सरकार, सरकार राज जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनमें से कई फिल्में चली, लेकिन तनीषा नहीं चली। सिल्वा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी। दोस्तों, शमिता ने साल 2000 की कामयाब फिल्म मोहब्बतें से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन शमिता अपने करियर को कामयाब नहीं बना सकी। उन्हें साथिया, अग्निपंख, फरेब जैसी कई फिल्में मिली थी। आयमा सेन की बहन रिया सेन। इन्होंने 2005 में शादी नंबर वन से फिल्म करियर की शुरुआत की। इसके बाद अपना सपना, मनी मनी, पेइंग गेस्ट जैसी कुछ सफल फिल्मों में काम किया, लेकिन दोस्तों वे अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो सकी। डिंपल की बहन सिंपल कपाड़िया। 1977 में फिल्म अनुरोध से एक्टिंग करियर शुरू करने वाली सिंपल ने एहसास, लूटमार जैसी कई फिल्मों में काम किया था। सफल न होने पर वे एक्टिंग छोड़कर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम करने लगी थी। दोस्तों, 2009 में 51 साल की उम्र में सिंपल की मौत गुमनामी में हो गई। साधना की बहन बबीता। 60-70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस साधना की बहन बबीता भी फिल्मों में आई थी। बबीता का फिल्मी सफर बेहद छोटा रहा है। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन कामयाब न होने के बाद शादी कर ली। उनकी 1968 में एकमात्र फिल्म हसीना मान जाएगी ही कामयाब हो सकी थी। तो दोस्तों, यह थी कामयाब एक्ट्रेस की नाकामयाब रही बहनें। आप बने रहे YRY18 के साथ।